हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बेंटली ऑटोमेटिक। ये आप देख सकते हैं इसकी इनसाइड लुक। ये स्टीयरिंग है इसका और ये डैशबोर्ड। ये इसका स्टार्ट और स्टॉप का बटन है। ये इसकी हैंड ब्रेक है। उसके बाद यहाँ से इसके गियर लगते हैं। ये लीवर है और लीवर के ऊपर ये जो बी है ये इसका क्लच सिस्टम है। आपने इसको नीचे दबाना है, पीछे खींचेंगे। ये इसका बैक गियर लग गया। ये बैक कैमरा है विद सेंसर। फिर पीछे खींचेंगे न्यूट्रल, फिर पीछे खींचेंगे डी, जिसमें ऑटोमेटिक गाड़ी अक्सर आगे चलती है। और फिर क्लच दबा के पीछे खींचेंगे हैवी पावर गियर। और वापस पार्किंग करने के लिए इसका क्लच है दबा के, ये डी, ये न्यूट्रल, रिवर्स, और ये गाड़ी होगी पार्किंग। और ये इसकी हैंड ब्रेक है। इसका एसी सिस्टम ये दिया है। यहाँ से आप जो है स्लो कर सकते हो, यहाँ से हाई। उसके बाद ये इसका म्यूज़िक सिस्टम है सामने। और यहाँ से भी जो है एसी आप ज़्यादा कम कर सकते हो, लेफ़्ट राइट नीचे ऊपर, जैसे भी आपको फैन को एडजस्ट करना है कर सकते हो। और ये इसके सामने यहाँ पे ये मीटर दिए हैं। उसके बाद इसमें एक सिस्टम बहुत अच्छा है, जैसे ये गाड़ी यहाँ से स्टार्ट और स्टॉप होती है, उसके बाद यहाँ पे इसमें चाबी भी लगती है। आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे चाबी से भी आप स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हो। ये हेडलाइट की सेटिंग है, यहाँ से ऑटो पे रख सकते हो। उसके बाद ये लेफ्ट साइड डोर में यहाँ से डिक्की खुलती है, यहाँ से पेट्रोल की टंकी, और फ्रंट और बैक मिरर जो है यहाँ से अप डाउन होते हैं। उसके बाद जो डोर्स का लॉक और अनलॉक का बटन ये दिया है। और ये है इसकी इनसाइड लुक, आप देख सकते हैं। ये है बेंटली